मरियम नवाज़ को ये कहना चाहती हूँ कि ना आपकी कोई सियासी हैसियत है, ना आपका कोई कद काट है, ना आपकी कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, ना आपकी कोई वर्थ है, आप रिजेक्टेड हैं हर तरीके से, और आप उठ के अपना कद बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल करती हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हैं, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर है, 1,70,00,000 हमने वोट दिया है, चाहे वो शान रसूल का मुकदमा हो, चाहे उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा हो, चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे फ़लस्तीन का इशू हो, पाकिस्तान का इशू हो, जिसमें आपने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है, और वहाँ पे आप बड़ी ताकतों को कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, और हम आपके जो है वो एलाइज कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बनेंगे, हम सिर्फ अमन के अंदर आपके नुमाइंदा बनेंगे या आपके साथी बनेंगे। ये वो शख्स है जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जिसकी क्रेडिबिलिटी और जिसका बयान जो है वो मैटर करता है, हर फोरम पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बुलाया जाता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे वो डेवलप या अंडर डेवलप कंट्रीज़ के बारे में, उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करती हूँ, या कोई स्ट्रेटेजिक फोरम हो, OIC से लेकर UNO से लेकर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात और क्रेडिबिलिटी और उनका वज़न जो है वो मैटर करता है। तो 22 करोड़ आवाम ने उनको मुंतखब किया है, आपके छोटी छोटी बातों से और आपके ज़ाती मफाद से और आपके बुग़्ज़ो अनाज से और जो गाली गलोच की लैंग्वेज आप इस्तेमाल करती हैं, यकीन करें कि आपकी इस बात से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ात को और हमारी हुकूमत को फ़र्क कोई नहीं पड़ता।